शिव को तो महायोगी भी कहते हैं। योगी तो है। योग साधना का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं हम बहुत ऊंचे पर्वत पर जाकर बैठ गए तो हम योगी बन गए, हमने योग कर लिया तो योगी बन गए, हम साधना में डूब गए तो साधक बन गए। मेरे शंकर भगवान तो गृहस्थी हैं, मेरे शिव जी तो पूर्ण ग्रस्त में निवास करते हैं, और पूर्ण ग्रस्त में निवास करने के साथ में जरा विचार करिएगा कि उसको योगी का पद दिया गया, उसका कारण क्या था कि पूर्ण ग्रस्त में रहने के बाद, अपने परिवार में रहने के बाद एक व्यक्ति का योग करना भी कठिन है। परिवार में तो परिवार के लोगों के बीच में योग हो सकता है क्या? पर मेरे शंकर भगवान संपूर्ण परिवार के बीच में रह रहे हैं, और संपूर्ण परिवार हमारे तो हम अपने दादा पर हम इतने वृद्ध नहीं हुए कि अपने परपोतों को देख ले। शिव जी अपने परपोते शुभलाभ को देखते हैं, फिर अपने अमोद प्रमोद को देखते हैं। तो ये तो एक उन्हें अपने पूरे परिवार में रहकर जो उन्होंने साधना करी उसी को योग कहा गया।